ओके, नाउ कम्स टू अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन होता क्या है. ठीक है, तो एल्डिहाइड बेसिकली, अगर इन दोनों कंपाउंड्स में अगर किसी चीज़ कॉमन की बात करूँ, तो कॉमन होता है ये कार्बनल, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड होता है जिधर हमेशा एक साइड एल्काइल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन होगा, वो एल्डिहाइड होगा, और जिधर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो क्या होगा, कीटोन होगा. ठीक है, तो अब ना एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जैसे हमने एल्कोहल्स को एलिफेटिक में भी पढ़ा, एरोमेटिक में भी पढ़ा, अब ऐसे ही एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को भी एलिफेटिक में भी पढ़ेंगे, एरोमेटिक में भी पढ़ेंगे. ठीक है, अब डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोग को एलिफेटिक एंड एरोमेटिक का. एरोमेटिक में जिसमें कोई रिंग टाइप, एरोमेटिक कोई रिंग होगी उसको एरोमेटिक बोलेंगे, जिसमें सिंपल चेन होगी उसको एलिफेटिक बोलेंगे. तो पहले मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को स्टडी करूंगी विद एलिफेटिक. ठीक है, तो अब एलिफेटिक में ना आप लोगों ने हमेशा क्या याद रखना है कि इसमें अल्फा बीटा क्लीवेज होगी. ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड होगा आपका अल्फा बॉन्ड, क्योंकि दिस इज अल्फा कंपाउंड ना. अगर इससे आगे कोई कंपाउंड होता तो उसको मैं बीटा कंपाउंड बोल सकती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बनल की दोनों तरफ जो है वो क्लीवेज होगी. ठीक है, अब इधर तो क्लीवेज हो नहीं सकती क्योंकि प्रोटोन है. ठीक है, मतलब एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही तरफ अल्फा क्लीवेज होगी, लेकिन कीटोन में दोनों तरफ आपके पास एल्काइल ग्रुप्स है तो दोनों तरफ क्लीवेज होगी. अब कीटोन में आपने क्या हमेशा याद रखना है कि जिधर आपका हायर ग्रुप होगा ना, वो वाली क्लीवेज, वो वाली अल्फा क्लीवेज आपकी हाई इंटेंसिटी पीक देगी. सपोज़ इधर मेरा CH3 है, इधर मेरा CH2CH3 है, तो ये वाली जो क्लीवेज होगी ना, ये मेरे को हाई इंटेंसिटी वाली पीक होगी, पीक देगी, रादर देन दिस क्लीवेज. ठीक है दोनों अल्फा क्लीवेज, लेकिन इस तरफ हायर ग्रुप जो है आपका क्लीव कर रहा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, उसके कारण हाई इंटेंसिटी पीक मिलती है. इज दैट क्लियर? अब जिस एल्डिहाइड है कीटोन में गामा हाइड्रोजन है, उधर क्या होगी, मैकलेफ्टी रीअरेंजमेंट. ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप क्लीव हो रहा है, लाइक C2H5 या कोई इससे भी ज़्यादा बड़ा ग्रुप क्लीवेज हो रहा है, उसकी हो रही है, तो हमेशा क्या होगा कि मैकलेफ्टी रीअरेंजमेंट उतनी ही अबंडेंट पीक देगी और उतनी ही अबंडेंट पीक आपकी अल्फा क्लीवेज देगी विद द क्लीवेज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल ले रही हूँ एलिफेटिक में, एल्डिहाइड. अब देखो एल्डिहाइड हमेशा आप जिसके एंड में अल ग्रुप होगा ना, AL ग्रुप, ये एल्डिहाइड है, और जिसके एंड में ओन ग्रुप होगा वो कीटोन है. ठीक है, पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 कार्बन्स, पेंट 1 2 3 4 5 कार्बन्स. ठीक है, अल का मतलब है एल्डिहाइड, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन आना ही आना, तो एंड वाले ग्रुप कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, आपका डबल बॉन्ड हो लग जाएगा, तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया, पेंटेनल हो गया. ठीक है, लेकिन 3 पेंटेन होना है, मतलब थर्ड कार्बन के ऊपर आपने कार्बनल ग्रुप, मतलब आपका थर्ड कार्बन कार्बनल होना चाहिए. ठीक है, या थर्ड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगना चाहिए, तो अब ये पेंटेनोन, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो गए, एल्काइल ग्रुप्स, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया. ठीक है, अब पहले मैं इसको स्टडी करूंगी पेंटेनल को, तो इसका मास बाय चार्ज रेशियो निकाल सकते हो आप लोग कैलकुलेट करके, 86 आ गया. अब देखो इसमें अल्फा क्लीवेज हो सकती है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज अल्फा, और वेल एल्डिहाइड में मैंने बोला था कि एक ही तरफ आपकी अल्फा क्लीवेज होगी. ठीक है, ये क्लीवेज हो गई, एक ग्रुप बन गया ये वाला, एक ग्रुप बन गया ये वाला, ये वाला ग्रुप ऐसे आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, CO एंड H. ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड क्यों आया, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि क्लीव करा ना. ठीक है, इसका मास बाय चार्ज रेशियो 29 आ जाएगा, क्योंकि 12 ऑक्सीजन का, 16 इसका और 1 इसका हाइड्रोजन का, 29 आ गया. इस सारे का भी कैलकुलेट कर लिए, 57 आ गया. अब देखो इसमें गामा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा, क्योंकि कार्बनल ग्रुप के अगला वाला कार्बन अल्फा होगा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा. अब गामा हाइड्रोजन भी है, तो मतलब इधर ऑब्वियसली क्या होगी, मैकलेफ्टी रीअरेंजमेंट. ठीक है, अब आ जाओ मैकलेफ्टी रीअरेंजमेंट पे, ये मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा है. अब होती कैसे है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये कितने हैं, 5 1 2 3 4 5. ठीक है, ये आ गया गामा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा गामा. ठीक है, गामा हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और बीटा बॉन्ड क्लीवेज. देखो अगर आप लोगों ने बेसिक्स नहीं ना पढ़े तो आप लोग ये नहीं पढ़ सकते. ठीक है, मैंने बोला था मैकलेफ्टी रीअरेंजमेंट, जब तक आप थ्योरी में नहीं पढ़ते तब तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा. ठीक है, तो थ्योरी भी पढ़ना. तो अब बीटा बॉन्ड क्लीवेज होनी है, तो मतलब ये वाला बॉन्ड क्या कर गया, क्लीव कर गया. ठीक है, तो प्रोडक्ट देखना, OH. ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, डबल बॉन्ड विद CH2, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ये तो क्लीव कर गया ना, ये सेपरेट प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, ये मेरा बना मैकलेफ्टी आयन. ठीक है,
ओके तो ये जो आयन बनता है, अब इसका मास बाय चार्ज रेशो होता है 44, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ हाईली स्टेबल, तो इसके कारण जो पीक आएगी वो आपकी आपकी बेस पीक, ठीक है, 44 पे आपकी बेस पीक आएगी। ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। अब क्योंकि ये एलिफेटिक है तो मॉलिक्यूलर आयन पीक थोड़ी सी इंटेंसिटी वाली होगी, ठीक है, ये 29 एंड 57 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है। नाउ कम्स टू पेंटेनॉन, ठीक है, अब पेंटेनॉन का मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अल्फा क्लीवेज, क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप सिमेट्रिकल है तो किसी भी तरफ से अल्फा क्लीवेज हो सकती है, ठीक है, अगर सपोज एक तरफ ग्रुप बड़ा होता एक तरफ छोटा तो ऑब्वियसली बड़े ग्रुप की ग्रुप जो है उसकी क्लीवेज होनी थी, वो प्रेफरेबली होनी थी, ठीक है, और उसकी जो पीक आनी थी वो हाई इंटेंसिटी वाली आनी थी रादर देन अनदर जो आपकी अल्फा क्लीवेज से आती। अब क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप सिमेट्रिकल है तो कोई भी अल्फा क्लीवेज हो सकती है, सपोज ये वाली होगी, ठीक है, अगर ये ग्रुप क्लीव करके तो बचा क्या, CH3CH2 कार्बन एंड इसके कारण जो कार्बन एंड ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड आना, ठीक है, ये बच गया ये वाला। अब इसका मास बाय चार्ज रेशो होता है 57, ठीक है, अब 57, अब ये क्या है, कार्बनिल, कार्बनिल रिमूव होगा क्योंकि ये प्रोमिनेंट पीक देता है, ठीक है, कार्बनिल निकल गया तो बचा क्या, CH3CH2, ठीक है, अब इसमें मैकलेफ्टी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसमें गामा कार्बन ही नहीं है, गामा प्रोटोन ही नहीं है, तो मैकलेफ्टी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये 29 कैसे बना, कार्बनिल के रिमूवर से, तो ये आपका हाईली इंटेंस्ड पीक होगी 29 वाली, ठीक है, ये 57 वाली जो आपकी है ये भी आपकी हाईली इंटेंस्ड होगी क्योंकि अल्फा क्लीवेज हुई है, ठीक है, तो अल्फा क्लीवेज एंड कार्बन रिमूवल दोनों ही आपकी जो है बेस पीक्स मानी जाएंगी, और ये आपकी लो इंटेंसिटी वाली मॉलिक्यूलर आयन पीक, ये लो इंटेंसिटी क्यों है, क्योंकि ये एलिफेटिक, और एलिफेटिक में मॉलिक्यूलर आयन पीक हमेशा क्या होती है, लो इंटेंसिटी वाली, क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होती।